अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और ये गाय जिस पे मैं आया हूँ इसने कल बच्चा दिया है और पिछले 8 दिन से ये बीमार है। मालकान तमाम जतन कर चुके हैं, इसके ऊपर भाग चुके हैं सारा। तो आज हम इसके ऊपर आए हैं। टेम्परेचर इसका नॉर्मल रहा है थ्रू आउट। पहले 2 दिन इसको थोड़ा सा टेम्परेचर हुआ है, 103 पे बुखार गया है। हमने चेक किया है 101.8 था, बिल्कुल बुखार नॉर्मल है। अब जब हमने इसकी चेकिंग शुरू की है, इसकी हार्ट बीट नोट की है, तो हार्ट बीट ऐसे थी अंदर जैसे वॉशिंग मशीन चल रही है या जैसे पानी वाला पाइप जो है वो रुक रुक के चलता है और उससे आवाज़ें छलकने की आती हैं। तो ये जो दिल की धड़कन के साथ छलकने की आवाज़ें आना है, ये इस चीज़ की निशानी होती है कि जानवर के दिल पर पानी पड़ गया। दूसरी बात, इधर आए ज़रा, ये देख रहे हैं, ये मेरी उंगलियों के नीचे महसूस करें। ये मैं इसको दबा नहीं रहा लेकिन ये इसकी शारग वैसे ही फूली हुई है, जिसे हम कहते हैं जुगलर वेन डिस्टेंशन। इस जानवर ने दूध बिल्कुल भी नहीं दिया, आधा किलो दूध दिया है। इसके अंडर को ज़रूरत नहीं है दूध की, लेकिन फिर भी ये देखें इसकी मिल्क वेन कितनी ज़्यादा डिस्टेंडेड है। ठीक है, ये देखें, ये इतनी मोटी इसकी मिल्क वेन है यहाँ पे, लेकिन इसका जानवर का ब्लड बिल्कुल ठीक है। इधर आओ मैं दिखाऊं जरा, ये देखें, देखें आंखें, आंखें बिल्कुल ठीक हैं, खून की कोई कमी नहीं है। फॉरन बॉडी डॉक्टर लाओ जरा। ये सूरत हाल फौरी तौर पे जाती है कि इस जानवर ने कोई लोहे की चीज़ खाई हो सकती है। उसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड वेटरनरी डिटेक्टर है, मेटल बॉडी डिटेक्टर, उसके ज़रिए हमने इसको चेक किया है। तो जब हमने चेक किया है तो इस लोकेशन पे रीडिंग आ रही है, ये जगह। अब ये जगह इसकी रेटिकुलम की होती है, छोटी ओजरी की, ये वाली जगह जो है छोटी ओजरी की है और ये यहाँ पर आ रहा है। वैसे इसको इस साइड पे होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे, ये हल्का सा राइट साइड पे आ रहा है दाई तरफ। ये अब नॉर्मल लोकेशन है, ये देखें ज़रा, जब मैं इसको ऑन करके करूँगा ये देखें, ये इसके अंदर लोकेशन यहाँ पे आ रही है, ये देखें, ये इस जगह पे। अब ये इसकी अब नॉर्मल लोकेशन है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अब इस जानवर का मैदा देखें इधर से आके, कि यहाँ पे जो मैदा उभरा हुआ होता है ये इस तरीके से होता है, वो सारा ख़त्म हो चुका है। र्यूमन की मोटिलिटी अगर मैं चेक करूँ, ओजरी की हरकत, तो वो ओजरी की हरकत बिल्कुल नहीं है। तो ये सारे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स देखने के बाद एक ही नतीजा निकलता है कि इस जानवर ने कोई लोहे की चीज़ खाई है और कोई बारीक चीज़ खाई है, या बारीक चीज़ खाने का कंफर्म नहीं है। लेकिन अपने तजर्बे की बुनियाद पर मैं बता सकता हूं और मशीन की रीडिंग को बयान करते हुए मैं बता सकता हूं कोई बारीक चीज़ है जो चुभ गई है, और ये एक्यूट केस है, एकदम खाई एकदम चुभ गई। उसकी वजह, अगर इसको पुराना मसला होता, 10 से 15 दिन में ये मसला बना होता, तो यहाँ पर स्वेलिंग होनी चाहिए थी, एडिमा होना चाहिए था। पुराने मसले में, एक्यूट केस में नहीं होता, क्रॉनिक केस में यहाँ पे एडिमा होता है, जिसे हम कहते हैं वेंट्रल एडिमा, ब्रिस्केट एडिमा। यहाँ पे भी पानी आ जाता है, यहाँ पे भी पानी आ जाता है। अब ये केस पुअर प्रोग्नोसिस है इसका, इसके बचने के चांस, इसके इलाज के चांस कम है, लेकिन फिर भी हम इसका इलाज कर रहे हैं क्योंकि मालकान की ख्वाहिश है कि वो अपने जानवर का इलाज करना चाहते हैं। इलाज के कंपोनेंट क्या होंगे? फॉरन बॉडी है, कोई लोहे की चीज़ है, उसके लिए हम इसको मैग्नेट खिलाएंगे। ये मैग्नेट है, जिस भी किसी के जानवर को मसला बने, इस तरीके का शक हो कि उसने कोई लोहे की चीज़ खाई है, तो उसको ये मैग्नेट खिलाना चाहिए। सिंपल प्रोसीजर है, ये स्पेशल गन है, इसके ज़रिए हम खिलाएंगे। अच्छा, पकड़ भी काफी खिला, जगह दे सर। ये देखो इसको ना ऐसे, वो जुबान से पीछे जाके अब ये आज़ाद हो गया, ठीक है।
फिर भी इसको एक मिनट मैंने इधर ही रखा है ताकि वो अंदर निकल ले। अब इधर ही इसको थोड़ा सा पानी पिलाएंगे ताकि वो घूंट भर ले। पानी मंगाओ थोड़ा सा। हमें लग गई कि यार इस तरह इस्तेमाल करनी है। बोलो गन जी है बड़ी वड्डी है। इतने पानी पिलाने का मकसद है ताकि वो गले के खिलार ना लगे। मैगनेट खिला दिया है और उसके बाद एहतियात इसको थोड़ा सा पानी भी पिलाया है क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ है मैग्नेट खिला के तसली करके मैं चला गया हूँ। जानवर ने दो घंटे बाद एसोफेगस में से खुराक की नाली में उसको रखा है वहीं पर फंसा रहा है। दो बार घंटे बाद उसने डकार मारा और बाहर तो पानी पिला दिया वो अंदर चला गया। अब इसकी जो आगे रह गई दिल की ट्रीटमेंट, ये तो मकनातीस अंदर जाएगा लोहे की चीज़ को पकड़ेगा, हो सकता है अभी जाके पकड़ ले, शाम को पकड़ ले, कल पकड़े, परसों पकड़े, क्योंकि मैदे के अंदर इसने चलना फिरना है और फिर उसको पकड़ना लोहे की चीज़ को। दिल के इर्द गिर्द जो पानी है उसको निकालने के लिए मैनिटोल हम इसको इस्तेमाल करवाएंगे, दो एक लीटर रोजाना तीन दिन, और साथ में हाई डोज इसको चलेगी एंटीबायोटिक की, प्रेफरेबली पेंसिलिन की। पाँच दिन तो कम से कम इसका इलाज चलेगा और फिर देखते हैं इसका क्या बनता है, तब मिलेंगे जब दिल करेगा दोबारा। अल्लाह हाफिज़।